नमस्कार, आप देख रहे हैं सवा चैटी चैट। चोरी रोकना बुजुर्ग को पड़ा महंगा, चोरों ने बुजुर्ग को मारी गोली, हालत चिंताजनक। चोरों को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ने पर 60 वर्षीय बुजुर्ग को गोली मारकर चोर फरार हो गए। मामला है माकी थाना क्षेत्र के बीरमपुर गांव का मजरा बाबा खेड़ा, जहां किरण यादव पुत्र छेदीलाल घास फूस के बने छप्पर के नीचे सो रहे थे। बीती रात को शौच के लिए घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पड़ोस के घर में चोर सेंध मारी कर रहे हैं। रोकने टोकने पर चोरों ने सीधे उस बुजुर्ग के ऊपर फायर झोंक दिया। गोली लगते ही बुजुर्ग शोर मचाते हुए गिर पड़ा और उधर चोर मौके से फरार हो गए और ग्रामीणों की मदद से घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिंताजनक देखते हुए चिकित्सकों ने कानपुर के लिए रेफर कर दिया। समाचार टीजेट के लिए उन्नाव से पवन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? अंकित। ये जिनकी गोंडली लगी है वो कौन है आपके? चाचा है हमारे। क्या नाम है उनका? करण। करण, क्या हुआ था, कैसे कल मामला? अरे कल रात में लोशंका करने उठे होंगे, वहाँ तो वही पीछे तीन साढ़े तीन बजे के आसपास वही पीछे देख रहे पीछे तो उन्होंने सोचा बुढ़ो का देखा पीछे उसका पीछा करने चले गए और पीछा करने में उसने वहाँ पर भर्ती कराया उनको।